मादी दुनिया 33। मैंने कुछ अरसा पहले एक खबर पढ़ी थी जिस पर मुख्तसरा गुफ्तगू करना चाहता था। उसने दुनियावी मसाइल से निमटने के दौरान मुस्बत जहन रखने की अहमियत के बारे में बताया। मुसलमानों के लिए ये जरूरी है कि वो सही इदराक पैदा करें ताकि वो अल्लाह ताला की इताअत में इजाफा कर सकें, जिसमें इसके अहकाम की तामील, इसकी ममानतों से इज्तिनाब और तकदीर का सब्र के साथ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायत के मुताबिक सब्र के साथ सामना करना शामिल है। इस पर दुरूद हो। इसके नतीजे में एक शख्स को दोनों जहानों में जहनी और जिस्म का सुकून हासिल होता है, क्योंकि ये इंसान को उन नेमतों को इस्तेमाल करने की तरगीब देता है जो उन्हें अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए दी गई है। बाब 16 अल-नहल आयत 97। जो कोई नेक अमल करेगा, खा वो मर्द हो या औरत, हालांकि वो मोमिन है, हम इसे जरूर पाकीजा जिंदगी देंगे और उनको उनके बेहतरीन अमाल के मुताबिक जरूर अजर देंगे। ये सही इदराक वही है जो नेक पेशोवे के पास था, और यही वो चीज है जिसने उन्हें मादी दुनिया की इजाफी आसाइशों से बचने और आखिरत की तैयारी करने की तरगीब दी। ये एक अहम खसूसियत है और इसे दुनियावी मिसाल से बयान किया जा सकता है। दो लोग बहुत प्यासे हैं और एक कप गदला पानी के पास आते हैं। वो दोनों उसे पीना चाहते हैं अगरचे वो पाक ना हो, और खा उसका मतलब ये हो कि इस पर झगड़ना पड़े। जैसे जैसे उनकी प्यास बढ़ती जाती है, वो गंदे पानी के प्याले पर जितना ज्यादा तवज्जो मरकूज करते हैं, इस हद तक कि वो हर चीज पर तवज्जो खो देते हैं। लेकिन अगर इनमें से कोई अपनी तवज्जो हटाकर साफ पानी के एक दरिया को देखे जो कुछ ही फासले पर था, तो वो फौरन पानी के प्याले पर तवज्जो खो देंगे, यहां तक कि वो अब इसकी परवाह नहीं करेंगे और ना ही इस पर बहस करेंगे, और उसके बजाय वो अपनी प्यास को सब्र से बर्दाश्त करेंगे, ये जानते हुए कि खालिस पानी का एक दरिया करीब है। जो शख्स दरिया से नावाकिफ है, वो शायद दूसरे शख्स के रवैये में तब्दीली को देखकर यकीन करेगा कि वो पागल है। यही हाल इस दुनिया में दो तरह के लोगों का है। एक गिरोह लालच से मादी दुनिया पर तवज्जो मरकूज करता है, दूसरे गिरोह ने अपनी तवज्जो आखिरत और उसकी पाकीजा और अबदी नेमतों की तरफ मबजूल कर ली है। जब कोई अपनी तवज्जो आखिरत की सआदत की तरफ मबजूल कर लेता है, तो दुनियावी मसाइल इतना बड़ा नहीं लगता, इसलिए सब्र को अपनाना आसान हो जाता है। लेकिन अगर कोई इस दुनिया पर अपनी तवज्जो मरकूज रखे, तो ये इसे सब कुछ लगने लगेगा। वो इसके लिए बहस करेंगे, लड़ेंगे, मोहब्बत करेंगे और नफरत करेंगे, बिल्कुल इसी तरह जैसे पहले जिक्र की गई मिसाल में शख्स जो सिर्फ गंदे पानी के प्याले पर तवज्जो मरकूज करता है। ये सही इदराक सिर्फ कुरान पाक में मौजूद इस्लामी इल्म को हासिल करने और इस पर अमल करने से हासिल होता है, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायत में पाया जाता है। बाब 41 फसीलत आयत 53। हम इनको अपनी निशानियां उफुक और उनके अंदर दिखाएंगे यहां तक कि उन पर वाजे हो जाएगा कि यह हक है। हमारी वेबसाइट www.sheikhpad.com पर 400 से ज्यादा मुफ्त ई बक्स, ऑडियो बक्स, इन्फोग्राफिक्स, पॉडकास्ट और ब्लॉग दस्तयाब है।